हेलो हेलो। हेलो, राम राम लोकेश भाई। राम राम भैया। अच्छा, भैया मैं राहुल बात कर रहा हूँ, बुधविहार रोहिणी से। क्या कहाँ से बात कर रहे सर मैं बुधविहार से बात कर रहा हूँ, रोहिणी से, हो? कहाँ है यार? रोहिणी सेक्टर 3, मंगोलपुरी सुल्तानपुरी के पास। क्या क्या हो गया भाई? कौन हो? क्या हो गया? मैं आपके मीटअप में भी आया था भाई। वो मेरी आईडी बंद कर दी इन्होंने आज 11:30 बजे, किरण ये पोर्टर वालों ने। पोर्टर, क्या हो गया? क्या हो, कैसे बंद कर दी? क्या हो सर वो गया? अभी मैं लास्ट 30 तारीख को काम किया था। लास्ट मैंने 400 कुछ का 5 घंटे काम किया था। लास्ट मेरा ऑर्डर कैंसिल हुआ था, 2.5 किलोमीटर का पिकअप आया था। मैंने कस्टमर को बोला सर 20 से 22 मिनट लगेंगे चांदनी चौक का। सर आपको पता है पैर रखने की जगह नहीं होती चांदनी चौक में, तो श्याम के आसपास। चांदनी चौक में क्या था? डिलीवर था? क्या था वहां पे? पैक वो था? कन्वर पार्सल पिकअप के लिए आया था, जो उठाता नहीं, मेरा टाइमर लग जाता वो, इस वजह क्या हो? बताओ बताओ। से मेरे को ऑर्डर आया था। फिर मैंने एक्सेप्ट कर लिया था, वो कोई ले नहीं रहा था उसको, हाँ, मैंने लिया। फिर कस्टमर को बोला सर मैं 20 से 22 मिनट लगेगी पहुंचने में। उन्होंने लोकेशन गलत डाल रखी थी, फिर मैं लोकेशन में पहुंचा 20-22 मिनट में कैसे न कैसे। फिर वो लोकेशन लाल किला के उस साइड की थी, और उन्होंने डाल रखी थी नई नई वाला जो सड़क है ना उसकी डाल नहीं रखी थी। मैंने बोला सड़क, सर नहीं सड़क। व्हाट्सएप पे लोकेशन भेज दो, मैं वहां पे चला जाऊंगा। फिर मैंने बोला ऐसे नहीं जा पाऊंगा, मैंने कंपनी को बोला ऐसे ऐसे अरे बात है। भाई, ये पोर्टर का सीन ही था, इनका तो सिस्टम ही खराब भाई। जी फिर उन्होंने कैंसिल कर दिया तो मेरे रीजन पे डाल के। फिर एक और ऑर्डर आया मेरे पास रोहिणी का, पीतमपुरा का। उन्होंने बोला कितना कितना टाइम लगा, मैं बोला 20-21 मिनट लगे आ रहा हूँ भैया। फिर उन्होंने 10 मिनट बाद खुद ही कैंसिल कर दिया। उन्होंने फिर अपना रीजन डाल दिया, माई पर्सनल रीजन। आईडी चल रही थी, आज 11:30 बजे मेरी आईडी बंद कर दी इन्होंने। भाई, ये पोर्टर कंपनियों का ऐसा ही है इनकी। मैं खुद ही परेशान हूँ। मुझे रात को दो दो तीन तीन बजे बच्चों का फोन आता है। भाई मैं क्या करूँ? ये कंपनी इतनी बदतमीज है, मैं क्या करूँ? मेरे पास दो दो बजे बच्चों का फोन आता है, मैं खुद ही परेशान हूँ। रात को बच्चे मेरे सोते हैं ना, ये भी मेरे को मारने लग गए हैं। कहते हैं साले तेरा फोन दो दो बजे आते हैं, तीन तीन बजे आते हैं। बच्चे जी छोटे छोटे हैं, मेरे को बस 20 20 साल के बच्चे ज्वाइन करते हैं यार। आईडी बंद कर देते हैं ये लोग। नई नई मोटरसाइकिल वीडियो देख के आ जाते हैं। वो जी मेरे पास रोज फोन आते हैं, कहते हैं नई मोटरसाइकिल ली थी आपकी वीडियो देख के। अब जी बच्चे हैं भाई, नई नई मोटरसाइकिल की किस्त तो वो भर नहीं पा रहे हैं, और ये इनकी आईडी ब्लॉक हो जाती है। अब ये रात को दो दो बजे मुझे फोन करके परेशान करते हैं। भाई मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया, मुझे माफ कर दो। मेरी वीडियो देख के तो तुमने नहीं करा भाई काम शुरू? आप मैंने तो बस रैपिडो किया था, पोर्टर मैंने वो किया था। मैं चल कोई नहीं, अच्छा है भाई मेरे से बहुत किसी बड़ी की गलती। नौकरी से तो अच्छा है ना अपना खुद का काम। भाई मैंने ना दो चार वीडियो बना दी थी कि पोर्टर में लोग कमा लेते हैं, तो अब मेरे पास तो अपनी खुद की मोटरसाइकिल थी तो कर लेता था। बच्चे नए नए नई नई मोटरसाइकिल ले लेके काम ये शुरू कर चुके हैं। जी एक कंपनी वाले ना आईडी ब्लॉक कर देते हैं, वो नई मोटरसाइकिल ले लेके बच्चे यार मुझे रात को दो दो तीन तीन बजे गालियां देते हैं। मैं खुद परेशान हूँ, मेरे से गलती। अगर मेरी वीडियो देख के तुमने ज्वाइन कर लिया हो तो मेरे से हाथ जुड़वा लो भाई, मेरे से गलती हो गई है। नहीं नहीं मैंने ऐसी बहुत बात बड़ा नहीं है पाप लोकेश कर भाई, दिया ऐसी बात भाई, नहीं मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, ऐसी बात नहीं है भाई। लोकेश भाई, ऐसा मत कहो। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 20 20 साल के बच्चे नई नई मोटरसाइकिल लेके काम कर रहे हैं, उनकी आईडियां ब्लॉक कर देते हैं। 1000 2000 रुपए ये लोग ज्वाइनिंग पे ले लेते हैं, 1000 2000 रुपए ये लोग आईडी ब्लॉक करने के नाम पे ले लेते हैं, अपने ऑफिसों में लाइन पे लगवा लेते हैं। भाई मेरे से पाप हो गया है, मैं क्या करूं? आपकी आईडी ब्लॉक कर दी इन्होंने, ये सबकी करते रहते हैं। भाई मैं क्या करूं, मेरे से मैं पाप तो हो गया। रिजाइन कर दी इन्होंने। यू आर सस्पेंडेड, बैड ड्राइवर बिहेवियर गलत है मेरा कहना, हाँ, ये कस्टमर लोग पता नहीं क्या करते हैं भाई, मेरे को रात में सोने नहीं खुद दे। गलत है अपने रीजन से, और रीजन हमारा डाल देते हैं कस्टमर। मेरा रोज का काम है, रात को रोज रोज मैं तो कस्टमर केयर बन गया हूँ। मेरे को रात में दो दो बजे फोन आते हैं, छोटे छोटे बच्चे 20 20 साल के मुझे फोन करते हैं। मेरी आत्मा रोती है भाई कि मैंने क्या पाप कर दिया इनकी वीडियो बनाकर। मैं क्या करूँ? आप एक काम करो, जी
बुध विहार कहाँ रहते हो? बुध दिल्ली में रहते हो? हाँ जी, बुध विहार दिल्ली में रहता, रोहिणी में, मैं पीतमपुरा लगता पास में। भाई मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, 2-3-4 वीडियो में मैंने ना काम करके बता दिया कि इसमें काम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों ने यार नई नई मोटरसाइकिल ले ली है, घर वालों को ये कर करके कि भाई मैं कमाऊंगा मैं कमाऊंगा, अब मैं तो इतना परेशान हो गया हूँ भाई, मैं क्या करूँ? मुझे तो लग रहा है कि मैं गंगा में स्नान भी कर लूंगा तो मेरा पाप नहीं धुल पाएगा। मेरी वजह से किसी माँ बाप ने अपने आपकी कोई जायदाद दोस्त अपना हर चीज दे दी इन बच्चों को कि भाई तुम कर ले कुछ। छोटे छोटे बच्चे उम्मीदों से ये काम कर लेते हैं, अब जी? मैं तो अपने पाप से खुद ही परेशान हूँ कि मेरे से ऐसा कैसा पाप हो गया जो मैंने उनको बच्चों को ऐसी कंपनी के साथ काम करके दिखा दिया। मेरे को तो इतना रोना आता अपने कर्मों पे। आप एक काम करो, जी नंबर दे रहा हूँ, मेरे नंबर पे आ जाओ, जी मैं खुद ही बहुत दुखी हो गया हूँ, मेरा नंबर आप नोट कर लो। और भाई मैं तो खुद ही दुखी हो गया, मेरी वजह से छोटे छोटे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनके माँ बाप की परेशानियां मैं कैसे बताऊं यार, मेरी जिंदगी खराब की जाएगी। तो नहीं, मेरे ऐसा छोटे मत छोटे करो। बच्चे जो 20-20 साल के बच्चे मुझे गालियां देते हैं, मुझे कहते हैं कि साले तू बर्बाद कर रहा सब कुछ। और बल्कि मैं तो सच्चाई बताता हूँ, कमा लेता हूँ तो कमा भी देता हूँ, नहीं तो कमाता हूँ तो गालियां भी दे देता हूँ इनको। अब गालियां भी देता हूँ तो वो सारी वीडियो देखते नहीं है बच्चे, कुछ अच्छी वीडियो देख के वो सोचने लगते हैं कि भाई ये कमा लेता है तो हम भी कमा लेंगे। भाई तुम एक काम करो, सुबह मेरे जी पास आ जाओ, मैं जी मेरा नंबर दे दूंगा आपको अपना है ना, ठीक है जी, मुझे ठीक। बट मैं सुबह तुम मेरे साथ चलना, मैं पहले भी 2-3 बच्चों की आईडी खुलवा चुका हूँ ऑफिस में जा जाके, जी, आपके भी खुलवा दूंगा। पर ये है कि मैं क्लियर कह रहा हूँ कि ये काम अच्छा नहीं है, इस काम से दूर ही रहना ठीक है। धीरे धीरे यही है था मेरा पहला अच्छा काम था, उसमें छूट गई थी जॉब, मैं भाई करना पर ये काम चाहता था। अच्छा नहीं है, मैं तो अब मैंने तो मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया, मैं गालियां ही देता हूँ इनको, मैं कभी भी इनको अच्छा बताता नहीं, क्योंकि अच्छा बता के मैंने बहुत पाप कमाए हैं। पहले तो सोचता था कि मैं किसी को 2 पैसे कमाने का रास्ता बता दूंगा, अब वही मेरे लिए शराब बन गया, क्योंकि अब ये लोग बदतमीजी करने लगे हैं। अब पहले तो मैंने इनको अच्छा समझा था, अब ये लोग साले पापी लोग बन गए। करोड़ कमाने पे लगे तो और अब ये बदतमीज लोग बन गए, समय समय इनका चल रहा है ना, समय इनके अनुकूल चल रहा है, समय इनका अकॉर्डिंग चल रहा है। भाई मैं तो पापी बन गया हूँ, मैं तो खुद ही अपना कहाँ जाके मुंह धो, कहाँ जाके क्या धो, समझ में नहीं आता मुझे। तो आप नंबर दे रख, मैं नंबर दे दूंगा आपको व्हाट्सएप, अब तुम आ जाओ सुबह, फिर मैं तुम सुबह आ जाओ, क्या नाम बताया तुमने? राहुल। राहुल, सुबह आ जाओ ठीक ठीक है, है जी, अब मैं सो जाऊं मैं, क्योंकि मेरे पास फोन पे फोन आते हैं, मैं बंद कर दूंगा फोन को भी। ठीक है जी, ठीक।